नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पालघर में हुई हिंसा के बारे में। जैसा कि आप सभी देशवासी जान रहे हैं कि महाराष्ट्र के पालघर में हिंदू समाज के कुछ संत मुंबई से गुजरात जा रहे थे एक अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, और पालघर के आसपास उन्हें भीड़ का सामना करना पड़ा और भीड़ ने उन्हें पीटते हुए मौत के घाट उतार दिया। आप सभी, एक वायरल वीडियो वहां से आया है, आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार से वो संत, जो जिनकी उम्र लगभग 65 से 70 साल है, वो उस भीड़ से बचने का प्रयास कर रहे थे और वहां पर महाराष्ट्र सरकार के कुछ सिपाही वहां पर खड़े थे, पुलिसकर्मी खड़े थे, उनके पीछे वो छुपने की बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन पुलिसकर्मियों ने बिल्कुल भी उनकी मदद नहीं की। कई बार हमने वीडियो में देखा कि जब वो संत उस पुलिसकर्मी के पीछे जा रहा था, उसके हाथ को पकड़ करके उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, तो वो पुलिसकर्मी जो शपथ लिया था कि मैं हर हाल में समाज की रक्षा करूंगा, समाज के लोगों की रक्षा करूंगा, वो अपने हाथ को झटकते हुए उस संत से अपनी दूरी बना लेता है और भीड़ के हवाले उसे कर देता है। अंततोगत्वा उस भीड़ ने जब तक उनमें दम था तब तक पीटने की कोशिश की और पीटते पीटते तीन लोगों की नृशंस हत्या कर दी, जो काफ़ी ऐसे शासनकाल में जो हिंदू हृदय सम्राट का तमगा मिला था सदे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र, जो महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री हैं माननीय उद्धव साहब ठाकरे के राज्य में, इस तरीके की घटना घटती है। आज बाला साहब ठाकरे जहाँ कहीं भी होंगे उनकी आत्मा को एक गहरा ठेस पहुँचा होगा कि आज महाराष्ट्र की सत्ता में विराजमान होते हुए भी आज वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने हिंदू समाज के लिए। ठीक है, अभी जब मीडिया का और सोशल मीडिया का दबाव उनके ऊपर पड़ा है, तब उन्होंने एक वीडियो बनाया है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर आग लगाने का काम कर रहे हैं, जबकि ये घटना, उद्धव साहब ठाकरे की बातों को माने तो उनका कहना कि ये घटना गलत फहमी में घट गया है और बिल्कुल ये सांप्रदायिक घटना नहीं है। घटना ये सांप्रदायिक तब होता जब वहाँ कोई अल्पसंख्यक होता, उस घटना में किसी अल्पसंख्यक की मृत्यु अगर हुई होती तो समाज के कई ऐसे वर्ग खुल करके सामने आ जाते, जो अवार्ड वापस लौटाते हैं, जो बात करते हैं कि नहीं, हर हाल में ये घटना जो घटी है ये सांप्रदायिक होती, तब वो लोग आते बताने। आज तो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि सांप्रदायिक घटना नहीं है, गलती से घटी हुई घटना है। गलती से घटी हुई घटना है, मुख्यमंत्री साहब आपसे एक सवाल है कि अगर ये घटना गलती से घट भी गई है तो वहाँ पर खड़ी पुलिस क्या कर रही थी? आखिर पुलिस ने उन संतों को बचाने का काम, हिंदुस्तान स्तब्ध है कि बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र, आप जो मुख्यमंत्री के पद पर महाराष्ट्र सरकार में विराजमान हैं, आपने क्या किया वहाँ पर? आप क्या मुंह दिखाएंगे अपने स्वर्गीय पिताजी को? कैसे आपकी अंतरात्मा वहाँ पर गवाही कर रही है? इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आपकी बात हो चुकी है, आपकी बात भारत के गृह मंत्री जी से हो चुकी है, आपने बता दिया है कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, हम इसकी जाँच करवा रहे हैं। जब चौतरफा दबाव बना है तो आपने 108 या 9 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली है, ये बात सत्य है कि आप अब एक्शन में आए हैं, लेकिन इससे पहले अगर सूत्रों की माने तो 16 तारीख की रात को ही घटना, 16 तारीख को ये घटना अप्रैल को हो गई थी, उसके बाद इस घटना को दबाने का पूरा प्रयास किया गया है महाराष्ट्र शासन के द्वारा अगर सूत्रों की माने तो। आखिर इतने दिनों तक आप क्यों नहीं सामने आए और इस पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया, इसका जवाब आपको देना होगा जनता को। आप तो संत समाज में भी एक विद्रोह हो चुका है, उन्होंने भी ऐलान किया है कि लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र का घेराव किया जाएगा और सत्ता में विराजमान शिवसेना के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उद्धव साहब ठाकरे को इस बात का जवाबदेही देना पड़ेगा कि अजूना अखाड़े के संत लोगों का जो आक्रोश है, जो क्रोध है, उसे महाराष्ट्र की सत्ता संभाल पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। जय हिंद।